हमारे गांव का टोबा भी एक ऐतिहासिक टोबा था, जो अब मुकेश जी ने इसको और मान बढ़ाया है और इसको और बढ़िया करके बना दिया है। इन्हें मेहरबानी नाल अभी बड़े सुखी हैं, बहुत आराम है। उस वे टोबे कुछ ना आता ही गारे चाहना नहीं खुब जाना, अज ये टोबा लहरा मारदा। ये जोड़ा टोबा है साढ़े मुकेश अग्निहोत्री जी ने बनाया हुआ, जो डिवेलपमेंट हो रही है साड़ी सड़कों की, टोब्या की, जो भी किसी तरह की है, इस मुकेश जी के बगैर सानू किसी ने पूछा नहीं है। सारी हलोली गल सी जो सी शीशे बच मर दिती, टोबे भी और भी सब कुछ, ये मुकेश अग्निहोत्री की मेहरबानी है। कहीं भी जाके देख लो पूरे देश में हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे टोबे बहुत शानदार और बढ़िया बन रहे हैं। जो बाहर बंदे साढ़े रिटायर होए साढ़े नाल दे SDO कोई ओवरसीर कोई कुछ सारे पिंड जाके कोठियाँ पाल दप है, ये मुकेश अग्निहोत्री की मेहरबानी ना। सारे स्याने बंदे इकट्ठे होकर सैर भी करते इतने, हरेक कॉन्स्टिट्यूएंसी टोबा बनाता। इतने 10 साल हो गया मच्छी, 15 साल इस मच्छी पालन हुए, जिन्हें भी टोबे है कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे ने साड़िया पंचायतों घट से घट 10-10 लाख रुपए की इनकम है साल की, ये सिर्फ मुकेश जी की देन है, नहीं ये टोबा सुक्का होंदा सी। हरेक टोबे ऐसे बन गए हैं, सड़कें देख लो, स्कूल देख लो, मतलब कोई भी काम छूटा नहीं है। तालाब है इनकी, जो हालत है इनकी बहुत अच्छी, हालात जो है बन गई है, नेचुरल पानी भी आ रहा है और इनके इर्द गिर्द जो है वृक्ष जो हैं वो लगा दिए गए हैं। क्या बात करनी है मुकेश के कामों की, तो हम तो गर्व करते हैं कि हमारे गांव का अब उप मुख्यमंत्री है।